History tells us that powerful people come from powerful places. Is that? Yes, ma'am. That is Rocky's KGF. History was wrong. Powerful people make places powerful. एक जंगल की कहानी सुनाता हूँ, एक वीर की कहानी सुनाता हूँ। उत्तर दिशा की ओर दूर एक सुंदर सा जंगल था। कोमल हृदय के वन जीवों का खुशहाल हरा चंदन वन था। अग्नि वर्षा हुई वन का, सुंदर वन झुलस गया एक पल में। कमर टूट गई, सर झुक गए, शापित हो गई किस्मत भी। था उठ गया भरोसा तारणहार भागीरथ से, तारणहार भागीरथ से। परंतु आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, सालिमों से रिहा करवा है सुल्तान। आका गोला बन के आओ यहाँ। सूत्रधार का सूत्र हर के, अहंकार का सीना चीर तांडव करने। शब्द खड़ा था एक भरोसे का पहाड़। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक मां की दुआ है। के हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, 21 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज के लिए भी वही गुंडा है। सर, इतने बड़े क्रिमिनल को आप ब्रांड कैसे बुला सकते हो? कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है, वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जिसे डंडा मार मार के गुंडा बनाया, पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के राजा बना डाला है। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? आप कहानी में आगे चले गए हैं। कितना आगे? बहुत आगे चले गए हैं। इनायत खलील बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। एक बार अंदर घुस गया, कभी वापस नहीं जाएगा। पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? रमिका सेन।
सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं। उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो ये दोनों ही काफी हैं इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए। पहले इनके बारे में सोचो। अरविंद केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दिल्ली की पावर भी खो दी। डिस्ट्रीब्यूटर साथ में नहीं है। अधीरा ने केजीएफ की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए। लोग डरे हुए हैं। अब कहाँ जा रहा है? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मीमना है। एक तरफ केजीएफ डूब रहा है। नहीं सर, सर आप ही गलत बोल रहे हैं। बुकवा में जाऊँ लिखा है ऊपड़ा सर। ए, जाओ अपना काम करो। गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब इनायत खलील के यहाँ क्या है? मैं रमिका सेन। जनाब, रॉकी को आपके पास लेके आ रहे हैं। आने दो उसे। खलील के पास जाकर बिजनेस डील की। किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, आप उस तरफ मत चले जाना। जंगल में आग लगने वाली है। न जाने किसका खून है। जिद जो स्पेशल फोर्सेस आपने भेजे वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। आसपास के इलाके में 15 लाख लोगों के लिए वो खुदा है। वो मरेंगे या मारेंगे। लेकिन वहाँ केजीएफ में अधीरा इंतजार कर रहा है। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है। लेकिन उसने उस जगह को क्या किया है यह आज तक कोई नहीं जानता। उसी सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था। There was a mastermind behind all this। पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। रॉकी दुबई गया था 2 बजे से। दूसरी वजह क्या है? कालास निकावो। कहते हैं नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, पर नमाज अदा करने के लिए भी उसको हमें बचाना पड़ा। मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। उस फंक्शन के शुरू होने से पहले रास्ते में उसे खत्म करना होगा। सामने फौज है, क्योंकि इम्तिहान की है।
जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई। उस वादे के लिए मैं खुद कर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। शेट्टी भाई, सब कुछ खत्म हो गया। जनाब, पूरा वेस्ट कोस्ट हाथ से गया। रॉकी ने सबको मार दिया। कलाश निकाल। पता नहीं वो कहां पे, लेकिन अगला बार हम पे ही होगा। खून से लिखी हुई कहानी है स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। अगर रॉकी गरुड़ा को नहीं मारता तो लोगों की क्या हालत होती? अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है, मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। ये बचाएगा। देखो 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 अंगारे है सुल्तान, देखो 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 ललकारे है सुल्तान, देखो 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 अंगारे है सुल्तान, देखो 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 ललकारे है सुल्तान। काश इसकी सुनाए कहानियां एक बार तो सच हो जाए। चाहिए रे तेरे को इंडिया।